मोहम्मद बिन कासम ने तकरीबन 711 ईस्वी के आसपास दीबल से हमला करके मुल्तान तक के इलाके को फतह किया, मगर इसके बाद तकरीबन 250 साल तक मुसलमानों ने ना कोई दाखला सिंध की तरफ से किया और ना ही खैबर पास के रास्ते हिंदुस्तान पर कोई यलगार की। सुल्तान महमूद गजनवी तारीख में इसलिए भी मशहूर हुए क्योंकि ये पहले मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने खैबर पास के रास्ते हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और पूरे हिंदुस्तान को आने वाले 1000 साल तक के लिए खोल कर रख दिया। मुसलमानों ने जो सल्तनतें हिंदुस्तान में बनाईं, इनका आगाज़ सुल्तान महमूद गजनवी के इन 17 हमलों से होता है जो उन्होंने हिंदुस्तान पर किए थे। अगस्त 1001 में 10,000 मुंतखब घुड़सवारों की फ़ौज के साथ आपने गजनी से पेशावर की तरफ पेशकदमी की। यहाँ पर लाहौर का राजा जयपाल 12,000 घुड़सवार और 30,000 प्यादा फौज और 300 हाथियों के हमरा आपके मुकाबले पर आया। दोनों फौजों के दरमियान जंग शुरू हो गई। हिंदू बड़ी बेबाकी के साथ लड़े, लेकिन आखिरकार वो सुल्तान महमूद गजनवी के मुनज़्ज़म घुड़सवार दस्तों के सामने पसपा हो गए और इन्हें शिकस्ते फाश का सामना करना पड़ा। मैदान जंग में इनके 5,000 सिपाही मारे गए। जयपाल और इसके 15 सरकर्दा सरदारों को सुल्तान महमूद गजनवी ने कैदी बना लिया। इस फतह के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने बठिंडा की तरफ पेशकदमी की और इसके किले पर हमला करके इसे भी फतह कर लिया। राजा जयपाल ने सुल्तान महमूद गजनवी की तरफ से होने वाली शिकस्त और शिकस्त की वजह से जिल्लत महसूस करते हुए अपने आप को आग में जला लिया और इसके नतीजे में उसका बेटा अनंतपाल हिंदुस्तान का नया राजा मुंतखब हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने 1004 ईस्वी में सिस्तान में एक फौजी मुहिम से वापस आने के बाद ये देखा कि हिंदुस्तान से खिराज मुकम्मल तौर पर अदा नहीं किया जा रहा। लाहौर के राजा अनंतपाल ने अपने हिस्से का खिराज अदा कर दिया था, लेकिन भाटिया के एक बाजगुजार राजा बेजी राय ने अपने हिस्से का खिराज रोक लिया था और मुसलमानों से नहायत तलख रवैया इख्तियार करने के अलावा इन गवर्नरों से छेड़छाड़ करने लगा जिन्हें सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान में तैनात किया था। सुल्तान महमूद गजनवी मुल्तान के रास्ते से राजा के इलाके में दाखिल हुए और आपने देखा कि भाटिया को एक नहायत बुलंद फसील किला बन दिया गया और इसके इर्द गिर्द एक गहरी और कुशादा खंदक है। राजा ने अपनी राजपूत फौज को जंग के मुताबिक तरतीब में किया और हिंदुस्तानी मुसलमानों से इस कदर बेबाकी से लड़े कि लगातार 3 दिन की झड़पों के बाद कोई नतीजा सामने ना आया। तमाम मजबूत मोर्चों पर हिंदुओं का कब्जा था और मुसलमानों को इस कदर नुकसान का सामना करना पड़ा कि वो अब मैदान जंग छोड़ने की तैयारी करने लगे। आखिरकार चौथे रोज़ सुल्तान महमूद गजनवी ने अपनी फ़ौज के सामने अपना रुख मक्का मुकरमा की तरफ किया और सजदे में गिर गए। इसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी जब उठे और चिल्लाकर कहा कि अल्लाह के रसूल ने आपको फतह की बशारत दे दी है। इसके बाद बजाते खुद आपने बड़े हमले की क़यादत की। सिपाहियों के ज़बरदस्त नारों से फिजा गूंज उठी और मुसलमान इस कदर शिद्दत से हमला करने लगे कि दुश्मन को शहर के दरवाज़ों तक धकेल दिया गया। अगली सुबह भाटिया के किले को मुकम्मल तौर पर महसूर कर लिया गया और सिर्फ चंद दिनों में चारों तरफ की खंदकों को भर दिया गया। बेजी राय ने जब ये देखा कि अपनी पोजीशन को मुस्तहकम रखना नामुमकिन हो गया है तो उसने किले को खाली कर दिया और इसके दिफा के लिए एक मुख्तसर सी छावनी को वहाँ छोड़ने के बाद उसने अपनी बाकी फ़ौज के हमरा दरियाए सिंध के किनारे पर उगे जंगल में पना ली। सुल्तान की फ़ौज के एक दस्ते ने जंगल में उसका ताकुब किया और उन्होंने उसके मोर्चे पर हमला किया और इसे तंग घाटियों की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बेहतरीन दोस्त भी इसका साथ छोड़ चुके थे और जब इसे कैदी बनाया जाने लगा तो उसने अपनी ही तलवार से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। इसके पैरोकारों में जिन्होंने आका की मौत का बदला लेने की कोशिश की इन्हें भी कत्ल कर दिया गया और एक हमले के ज़रिए भाटिया पर कब्ज़ा कर दिया गया। 280 हाथी, बेशुमार गुलाम और दीगर माले गनीमत सुल्तान के हाथ लगा और वो एक फातेह की हैसियत से गजनी वापस लौट गए।
मुल्तान के पहले हुक्मरान शेख हमीद सईदी ने अमीर सबकतगिन की अतात कबूल कर ली थी और खिराज अदा करता रहा। इसके बाद इसका बेटा नासर और इसका पोता दाऊद गजनी सुल्तान के मुती रहे, लेकिन 1005 ईस्वी में उसने लाहौर के राजा अनदपाल से मिलकर बगावत कर दी। अब सुल्तान महमूद गजनवी ने मुल्तान को दोबारा फतह करने का मंसूबा बनाया। लहजा मौसम बहार के आगाज़ में एक बहुत बड़ी फ़ौज के हमरा आपने इस मकाम की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। पशावर की पहाड़ियों में अनदपाल की फ़ौजों ने इसका मुकाबला किया, लेकिन गजनी की फ़ौज ने इन्हें ज़बरदस्त शिकस्त से दोचार किया और दरियाए चिनाब के किनारे पर सोदरा के कस्बे तक इनका ताकुब किया। अनदपाल अपने दारुल हुकूमत को छोड़कर कश्मीर की तरफ भाग गया। सुल्तान महमूद गजनवी बठिंडा के रास्ते मुल्तान की तरफ बढ़े और 7 रोज़ तक इसका मुकम्मल मुहासरा किया। आखिरकार दाऊद को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे इस वादे पर माफ़ी दी गई कि वो 20,000 तलाई दिरहम सालाना खिराज के तौर पर अदा किया करेगा। हो सकता है कि सुल्तान हिंदुस्तान में अपना क़याम तवील कर लेते, लेकिन इनके सुसर और काशगर के बादशाह एलक खान की तरफ से इनके मगरबी इलाकों पर हमले के बाद इन्हें मजबूरन गजनी वापस लौटना पड़ा। और आपने हिंदुस्तान के तमाम मामलात एक हिंदू शहजादे सेवक पाल के सुपुर्द कर दिए, जो पेशावर के हाकम अबू अली के असर और रसूख से मुसलमान हो गया था। सुल्तान के नायब सेवक पाल की बगावत ने सुल्तान महमूद गजनवी को 1005 और 6 में दोबारा हिंदुस्तान की सरजमीन पर ला खड़ा किया, क्योंकि उसने सुल्तान के तमाम अफसरों को इनके महकमों से निकाल दिया था। सुल्तान ने सबसे पहले अपने दस्ते के एक हिस्से को पेशकदमी करने का हुक्म दिया। दस्तों ने हिंदू फौज के सामने गैर मुतवक्के तौर पर जाहिर होकर इन्हें ज़बरदस्त शिकस्त से दोचार किया और सेवक पाल को कैदी बना लिया गया और इसे 4,00,000 दिरहम जुर्माने के तौर पर अदा करने पर मजबूर किया गया और सारी ज़िंदगी सरकारी कैद के तौर पर रखा गया। मुल्तान की बगावत में अनदपाल की हमायत और गद्दाराना रवैया सुल्तान महमूद गजनवी के सीने में कांटे की तरह खटक रहा था। चिनाचे 1008 ईस्वी में मौसम बहार के अवाइल में एक बहुत बड़ी फ़ौज के हमरा एक अजीम मुहिम के सिलसिले में हिंदुस्तान की तरफ गामजन हुए। अनदपाल जो मुसलमानों की ताकत से बाखबर था और इसे साबका नुकसान अभी याद थे, उसने हिंदुस्तानी राजाओं में मजहबी जोशो खरोश पैदा करने के बाद इनसे दरख्वास्त की कि वो अर्ज मुकद्दस पर अपने मुश्तरका दुश्मन को निकालने के लिए जद्दोजहद करें। इसकी अपील का खैर मकदम किया गया और उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर और कालिंजर के राजाओं ने अपनी दस्तयाब फौजों को जमा किया और दरियाए सिंध की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। पंजाब की सरजमीन पर जमा होने वाली सबसे बड़ी फौज पेशावर की सरहदों पर मैदान के सामने नमूदार हुई। फिर इसमें हर रोज़ इजाफा होता चला गया। जंग की तैयारियों के लिए मुल्क के हर इलाके से मालो ज़र मुहैया किया गया और इस कदर हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया गया कि मुल्क के तूलो अरस से हिंदू औरतों ने अपने जेवरात पिघला कर कौमी मकसद के लिए ज़राए फराहम करने के लिए सोने और चांदी की सूरत में रवाना किए। इस्लामी फ़ौज चारों तरफ से घिर गई और उन्होंने आम हमले के खदशे के पेश नज़र खुद खंदक खोदने का फ़ैसला किया। इसके बाद दोनों फौजें 40 रोज़ तक आमने सामने बेहिसो हरकत पड़ी रहीं। आखिरकार इस सकूत को हिंदुओं ने तोड़ा। उन्होंने मुसलमानों के मुहैया करदा मौके से फ़ायदा उठाया, जिन्होंने दुश्मन को मुश्ताल करने और इन्हें खंदकों की तरफ पेश कदमी करने पर उकसाने के लिए 6,000 तीर अंदाजों को सामने भेजा था। हिंदू इंतहाई गैज़ो गज़ब के साथ मुसलमानों के मोर्चों में दाखिल हो गए और ज़बरदस्त खून रेजी शुरू हो गई। नहायत मुख्तसर वक़्त में 5,000 मुसलमान शहीद हो गए। ताहम हिंदुओं की पेश कदमी को रोकने के लिए मुसलमानों की एक मुनज़्ज़म फ़ौज ने डट कर इनका मुकाबला किया और इन्हें शिकस्त से दोचार किया। इस फतह के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने शहर नगरकोट और इसके बाद भीम के मशहूर किले का मुहासरा कर लिया और इन्हें फतह करने के बाद गजनी वापस लौट गया। 1011 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने थानेसर को फतह करने का इरादा किया। हिंदू इसका इसी तरह एहतराम करते थे जिस तरह मुसलमान मक्का मुकरमा का करते हैं।
अनंतपाल ने सुल्तान को खजाने पेश किए और आपसे वादा किया कि शाही खजाने से हर साल इस कदर अदा करता रहेगा। इसके अलावा 50 जंगी हाथी और नहायत बेश कीमत तहाइफ पेश करने का वादा किया। लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी ने सारे हिंदुस्तान से बुत परस्ती को जड़ से उखाड़ फेंकने का तहिया कर रखा था। सुल्तान ने राजा की इस पेशकश को रद्द कर दिया और शहर पर कब्जा कर लिया और इनके बड़े बड़े अजीमुशान मंदिरों को तबाह कर दिया और बुतों को पाश पाश कर डाला। इन बुतों में सबसे अहम बुत को जगसोम कहा जाता था और इसके बारे में हिंदुओं का अकीदा था कि ये रोज़े तख्लीक से मौजूद है। इसे बेशुमार टुकड़ों की सूरत में गजनी और मक्का और मदीना और बगदाद रवाना कर दिया गया ताकि गलियों में पाँव तले रौंदा जाए। कहा जाता है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने इस मौका पर 2 लाख कैदी गजनी रवाना किए थे। इस दफ़ा बहुत सारा माले गनीमत सुल्तान महमूद गजनवी को हासिल हुआ। 1013 ईस्वी में सुल्तान ने एक बहुत बड़ी फ़ौज के हमरा बलवात के पहाड़ों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी और भरपूर हमले के बाद छावनी को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। अनंतपाल के बेटे और जानशीन जयपाल दोम ने जब ये महसूस किया कि वो सुल्तान का मुकाबला करने के काबिल नहीं है तो उसने अपनी फ़ौज के हमरा कश्मीर का रुख किया। सुल्तान ने पहाड़ी इलाके में एक हाकम को तैनात किया और ख़ुद कश्मीर के रास्ते गजनी वापस लौट गए। 2 साल बाद सुल्तान ने चंद बागी सरदारों को सजा देने और चंद किलों को फतह करने के लिए कश्मीर का रुख किया। इनमें सबसे अहम लोकोट का किला था जो अपनी बुलंदी और मजबूती के लिए बहुत मशहूर था। मौसम गर्मा के दौरान इस मकाम को फतह करने के लिए सुल्तान की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं और मौसम सरमा शुरू होने पर सुल्तान को इस मुहिम को तर्क करके मजबूरन गजनी वापस लौटना पड़ा। 1017 ईस्वी के मौसम बहार में सुल्तान 1 लाख घुड़सवार और 20,000 पयादों के साथ कनौज की तरफ आगे बढ़े। कनौज का राजा बड़ी शानो शौकत और जाहो जलाल का हामल था लेकिन दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी ना होने के बाद उसने अमन पर सुलह कर ली। इसके बाद सुल्तान ने आसपास के तमाम छोटे बड़े किलों को फतह किया और गजनी वापस लौट गए। 1021 ईस्वी में हिंदू राजाओं की मुतहिदा फौजों ने कनौज के राजा कनौर राय पर हमला कर दिया क्योंकि इस राजा ने सुल्तान महमूद गजनवी से सुलह कर ली थी। सुल्तान को जब इस सूरत हाल का इलम हुआ तो आपने हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी लेकिन इससे बेशतर के वो कनौज पहुँचते इस पर कालिंजर के राजा नंदा ने कब्जा कर लिया और उसने कनौज के राजा को कत्ल कर दिया। कनौज के राजा की मौत का बदला लेने के लिए सुल्तान ने कालिंजर का मुहासरा कर लिया और इसे भी फतह कर लिया। कालिंजर की फतह के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने कश्मीर के रास्ते लाहौर पर हमला किया और इसे भी फतह कर लिया और इसके राजा को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया और लाहौर का तमाम इंतज़ाम अपने मशीर जनरल मलक अयाज के सुपुर्द कर दिया जिसका नाम बहुत सी रवायात और अपने आका के इरशादात में मौजूद है। मलक अयाज ने लाहौर का किला और फसील तामीर करवाई और शहर को वसी और ख़ूबसूरत बनाया। सुल्तान महमूद गजनवी के इस मकबूल आम हाकम के दौर में लाहौर इल्मो फजल का गहवारा बन गया और गजनी से लोग यहाँ आकर आबाद हो गए। तकरीबन 2 साल बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने कालिंजर के राजा नंदा राय को मज़ा चकाने के लिए दोबारा हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी क्योंकि गुज़श्ता मुहिम के दौरान वो सज़ा से बच गया था और भाग गया था। सुल्तान लाहौर के रास्ते इसकी तरफ आगे बढ़े और ग्वालियर से गुजरने के बाद आपने इस किले का मुहासरा कर लिया लेकिन राजा ने अतात कबूल कर ली और इस तरह वो महफूज रहा। सुल्तान महमूद गजनवी काफ़ी अरसे से काठियावाड़ के एक साहली शहर सोमनाथ के मशहूर व मारूफ मंदिर की दौलत और तकद्दस के बारे में सुनता चला आ रहा था। वहाँ पर हिंदुस्तान के सभी हिस्सों से पुजारी जमा होते थे। हिंदुओं का अकीदा था कि सोमा देवता जिसके नाम पर ये मंदिर मशहूर था इसको तमाम अरवाह पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है। बहरहाल बुत परस्ती के इस जैसे मराकज़ को तबाह करने के लिए
सितंबर 1024 ईस्वी में गजनी से हिंदुस्तान की तरफ सुल्तान ने पेशकदमी शुरू कर दी। आपके हमरा तुर्किस्तान और हमसाया ममालक के 30,000 नौजवान रजाकार भी शामिल थे। उन्होंने इस मंदिर को तबाह करने के लिए सुल्तान की फ़ौज में बिला मुआवजा शमूलियत इख्तियार की थी। मुल्तान के सहरा को अबूर करने के बाद वो अजमेर पहुँचे और रास्ते के तमाम छोटे बड़े किलों को फतह करते हुए सोमनाथ पहुँच गए। मंदिर के किले का राजपूतों ने बड़ी जुआमर्दी से दिफा किया और मुसलसल 3 रोज़ तक मुसलमानों के हमलों को अजीम नुकसान पहुँचाकर पसपा किया। आखिरकार सुल्तान महमूद गजनवी अपने घोड़े से कूद पड़े और ज़मीन पर सजदा रेज हो गए कि अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की और दोबारा घोड़े पर सवार होकर अपने जर्नैल अबुल हसन का हाथ थामा और हौसला फजाई की खातर अपनी फ़ौज में जोश व खरोश पैदा करने के लिए इस कदर गर्म जोशी से नारा लगाया कि सब एक तूफ़ान की सूरत में किले पर टूट पड़े और 5,000 हिंदू सिपाहियों को मौत के घाट उतारने के बाद किले में दाखिल हो गए। इनमें से जो फौज बच गई वो अपनी जान बचाने के लिए कश्तियों पर सवार हो गई, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी की फ़ौज ने इनका तअक्कुब किया और बेशुमार कश्तियों को डबो दिया। सोमनाथ की फतह के बाद जब हिंदू पुजारियों और महाराजों ने सुल्तान को रिश्वत पेश की और कहा कि सोमनाथ के बुत को ना तोड़ें, तो आपने वो तारीखी जवाब दिया जिसने तारीख में सुल्तान को अमर कर दिया। सुल्तान ने फरमाया, अगर आज मैंने बुत के लिए पैसे लिए तो तारीख मुझे बुत फरोशों के नाम से याद करेगी, बुत शिकन के नाम से नहीं। सोमनाथ में मुख्तसर क़याम करने के बाद सुल्तान ने आसपास के चंद किलों को फतह किया और इस मुल्क के राजा को गुजरात की सल्तनत अनायत करने के बाद सिंध के रास्ते गजनी वापस लौट गए। सोमनाथ की मुहिम और गुजरात के मार्ग में 2.5 साल सरफ हो गए थे। हिंदुस्तान के लिए सुल्तान महमूद गजनवी की आखिरी मुहिम का आगाज़ 1027 ईस्वी में हुआ। ये मुहिम दरियाए सिंध के किनारों पर आबाद जाट कबाइल के खिलाफ थी। उन्होंने गुजरात से वापसी पर मुसलमानों की फ़ौज से छेड़छाड़ की थी। इन कबाइल को तस्खीर करने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कोई हमला करने का इरादा नहीं किया।